फ्यूचर प्लान को लेकर जरूरी दस्तावेज लीक हो गए हैं और इन लीक डॉक्यूमेंट्स में जो खुलासे हुए हैं वो चीन को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन भारत के लिए इस डॉक्यूमेंट से आई खबरें काफी अच्छी नजर आ रही हैं। आगे खबर को आपको बताएं उससे पहले हम आपको ये बता दें कि रूस कई बार इस बात को लेकर चेतावनी देता आया है कि वो मौजूदा जंग के हालात के बीच परमाणु हमला कर सकता है। रूस के परमाणु हमले की योजना के खुलासे से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। इसे लेकर जारी हुए डॉक्यूमेंट्स कुछ और ही बता रहे हैं। रूस के इस सीक्रेट प्लान में चीन का जिक्र हुआ है, जिसमें कहा गया कि अगर चीन के साथ युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमला कर सकता है। रूस की खुफिया युद्ध योजना साल 2009 से 2014 के बीच बनी थी और इस लीक डॉक्यूमेंट में चीन पर हमला करने को लेकर के भी जिक्र हुआ। उस समय व्लादिमीर पुतिन ही रूस के राष्ट्रपति भी थे। इसमें कहा गया कि चीन रूस के फार ईस्ट इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। इस बड़े खुलासे के बाद चीन ने अब चुप्पी साध ली है। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लेकर अब तक चीन की तरफ से कोई भी बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इन सब के बीच इसे बहुत बड़ा माना जा रहा है और चीन जिस रूस को अपना सबसे पक्का दोस्त समझ रहा था, रूस उसके खिलाफ भी तैयारी करके बैठा हुआ। रूस हर परिस्थिति के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। रूस के इस डॉक्यूमेंट से साफ है कि वो किसी भी देश पर परमाणु हमला करने से झिझकेगा नहीं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन दोनों ही दावा करते हैं कि उनके बीच नो लिमिट वाली दोस्ती हो गई है। अब देखना ये होगा कि रूसी खुलासे के बाद चीन की सरकार जब सदमे में है तो जब पहली प्रतिक्रिया इसे लेकर देगी तो क्या देगी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की सेना ने इस तरह के किसी चीनी हमले से निपटने के लिए कई बार जवाबी हमले का अभ्यास भी किया है। रूसी दस्तावेज के हवाले से कहा गया कि कमांडर इन चीफ ने दुश्मन द्वारा दूसरी इकोलोन इकाइयों को तैनात करने और दक्षिण द्वारा मुख्य हमले की ओर से आगे बढ़ने की धमकी देने की स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। बता दें साल 2008 से 2014 के बीच में ये गोपनीय दस्तावेज तैयार हुए थे और इसी दस्तावेज में इस बात का जिक्र है कि रूस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूस पहले से स्वीकार किए गए स्तर से काफी कम सीमा पर परमाणु हथियारों को तैनात करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो रूस खुले तौर पर यूक्रेन से छिड़े युद्ध के बाद परमाणु हमलों को अंजाम देने का जिक्र करता आया है। हालांकि अब तक रूस ने परमाणु बमों का या हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने हाल ही में एक न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन इन सब के बीच में लीक हुए दस्तावेजों में साफ संकेत दे रहे हैं कि रूस किस तरीके से पश्चिमी देशों के साथ अपनी तैयारी को पक्के किए हुए है। सबसे बड़ी बात यह कि इस स्थिति में रूस चीन से निपटने के लिए भी अपनी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचा चुका है। चीन के साथ जटिल संबंध बने तो समय आने पर रूस चीन पर भी हमला करने से झिझकेगा नहीं। यानी रूस और चीन के बीच में दोस्ती जितनी पक्की नजर आती है, ये दस्तावेज बताते हैं वो उतनी पक्की नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।